हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे इंजीनियर लोग मचाते हैं, बिल्कुल भी इस मैथमेटिक्स के साथ बिल्कुल मचाते हैं। तो चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही डिमांडेड टॉपिक जिसका नाम है टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर जल्द से जल्द इस टॉपिक को शुरू करिए, और आपकी मांग बिल्कुल सराखों के ऊपर, और शुरू कर रहे हैं आज इस टॉपिक को। कुछ लोगों को ये फर्स्ट ईयर में है, कुछ लोगों को ये सेकंड ईयर में है, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम बिल्कुल उतनी ताकत के साथ सॉल्व करेंगे। आज सेशन नंबर वन, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन करा दूंगा, क्या होता है टेलर सीरीज़, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्यों करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी मोहब्बत वाली लाइक के साथ। फटाफट से मोहब्बत वाली लाइक हो जानी चाहिए, प्यार भरी शेयर होनी चाहिए, क्योंकि सब कहते हैं यार, और सब एक्सपीरियंस भी करते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। और जिनके साथ शेयर कर रहे हो उनको पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब भी कराइए, क्योंकि बेहद ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बेहद ज़्यादा ताकतवर टॉपिक्स अपने चैनल के ऊपर आपको मिल रहे होंगे पूरे इंजीनियरिंग के रिलेटेड। और WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो क्या किया, नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, Instagram पे भी जाके ज़रूर फॉलो करिए। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। क्या है टॉपिक का नाम? नाम है टेलर सीरीज। लेकिन उसके पहले ये टेलर सीरीज क्यों फाइंड आउट करते हैं, है ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं लिखना चाहता हूँ टेलर सीरीज, ओके, टेलर्स सीरीज। चलिए क्या होती है ये टेलर सीरीज और क्यों फाइंड आउट करते हैं, ये बताना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है, आप जब भी कोई भी एक फंक्शन लेते हो, उस फंक्शन का पर्टिकुलर रीजन होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है साइन एक्स, तो ये साइन एक्स की क्या हो गई, वेवफॉर्म हो गई। ये वेवफॉर्म इस तादाद पर होती है, इस प्रकार की होती है। इस वेवफॉर्म के अंदर आपको मिल रहा होगा ये पर्टिकुलर एरिया, राइट, ये पर्टिकुलर एरिया। अभी उसके बाद क्या होता है, सपोज मैंने कह दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या फिर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, मैंने आपसे कह दिया कि यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो ये हो गया एक पर्टिकुलर सर्कल जिसका रेडियस है आर। तो यार इसको कहते हैं बिल्कुल भी रीजन। उस रीजन के अंदर ये फंक्शन क्या होता है, एक्टिवेट रहता है। वो फंक्शन क्या रहता है, काम का रहता है। लेकिन उस फंक्शन के, मतलब उस रीजन के अगर बाहर चला गया तो वो फंक्शन बिल्कुल भी काम का नहीं रहता, है ना। हर कहते हैं ना, अपने गली में हर कुत्ता शेर होता है, सेम अपने रीजन में हर फंक्शन काम में आता है, उस रीजन के बाहर वो फंक्शन कुछ काम का नहीं होता। और उसी रीजन को कहा जाता है ROC, जिसको हम कहते हैं रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस। क्या कहते हैं, रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस, ओके। अब व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रेशियो फॉर्मूला, जिसको हम लोग कहते हैं डी एलेम्बर्ट्स रेशियो फॉर्मूला। क्या होता है डी एलेम्बर्ट्स रेशियो फॉर्मूला, बड़े ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। पूरा पहले फॉर्मूला लिखता हूँ और फिर मज़ा करते हैं। R इज इक्वल टू, R बोलेगा तो रीजन, ओके, R इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड के अंदर cn अपॉन cn प्लस वन, ओके। अब C क्या है, कॉन्वर्जेंस वाला रीजन है, n क्या है, n प्लस वन क्या है, जाहिर सी बात है वो एक पर्टिकुलर स्टेप होगा, n प्लस वन उसके आगे का स्टेप होगा, ठीक है जी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, n कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, तो इसलिए हमने कह दिया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको सोल्व करने के लिए एक चीज़ आपको जानना बेहद ज़रूरी है इस सम्स को सोल्व करने के लिए, कि यार एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो होता है। जैसे एनीथिंग अपॉन जीरो इज ऑलवेज इन्फिनिटी, वैसे एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें समझ गया। अब देखिए ये रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस होता क्या है, ठीक है ना। मतलब ये ROC जो मैंने कहा, तो कॉन्वर्जेंस क्या होता है ये पता होना तो ज़रूरी है ना जनाब। तो इसलिए मैं एक बिल्कुल भी एक फंक्शन लेता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना तो मज़ा आएगा। सपोज़ मैंने ले लिया यहाँ पे a1 प्लस आई बी वन
प्लस सिमिलरली ए टू प्लस आई बी टू, सर क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? जी हाँ, ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए एन प्लस आई बी एन। तो देखिए इसको अगर मैंने लिख दिया विच इज़ इक्वल टू समेशन एन इज़ इक्वल टू वन से लेकर इन्फिनिटी तक या फिर एन तक, तो आप इसको लिख सकते हो ए एन प्लस आई बी एन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ए एन प्लस आई बी एन, कहानी वही, एब्सोल्युटली सोच नहीं। तो ठीक है सर, ए एन प्लस आई बी एन तो हमने लिखवा दिया, इसके बाद क्या करूँ? इसके बाद देखिए, जैसे जैसे ये ए और बी मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के लिए लिखा, वैसे ही हम और कोई फंक्शन के लिए भी लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, एब्सोल्युटली लिख सकते हैं। कैसे लिखना है बड़े ध्यान से देखिए। सपोज मैंने लिख दिया सी ज़ीरो प्लस सी वन जेड माइनस ए प्लस सी टू जेड माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, यहाँ पे जाएगा सी एन जेड माइनस ए द होल रेस टू एन। यहाँ तक हमने इसको लिख दिया। तो लिखेंगे कैसे इसको? देखिए समेशन एन इज इक्वल टू, देखिए देखिए देखिए, ज़ीरो से लेकर अब इन्फिनिटी होगा। क्यों ज़ीरो से लेकर? क्योंकि सी एन जेड माइनस ए रेस टू एन, तो एन के जगह पे जब ज़ीरो डालेंगे तो यहाँ पे होगा सी ज़ीरो जेड माइनस ए रेस टू ज़ीरो। तो एनीथिंग रेस टू ज़ीरो वन हो गया, इसलिए पहला वैल्यू मुझे सी ज़ीरो मिला। फिर वन वन डालेंगे, टू डालेंगे, तो बाकी के वैल्यूज़ भी उस रिस्पेक्टिव में अपने को मिल जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इसे कहा जाता है बिल्कुल भी रीजन। ओके, सी माने सेंटर हो गया, सी माने सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कोफिशंट जो अपने को रिक्वायर्ड है जेड माइनस ए के लिए। तो ये जो जेड माइनस ए है ये क्या होता है? देखो मॉड ऑफ जेड माइनस ए क्या होता है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। अगर अगर एक बात है, z माइनस ए इज इक्वल टू r हो गया, r का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, डी एलेम्बर्ट्स रेशियो फॉर्मूला, तो z माइनस ए इज इक्वल टू r हो गया, या फिर z माइनस ए r से छोटा हो गया, छोटा बोलेगा तो इट कुड बी लाइक दिस, मतलब z माइनस ए इज लेस देन और इक्वल टू r, तो ये क्या होता है? रीजन के अंदर होगा, रीजन के अंदर होगा, के अंदर होगा, मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूँ, अंदर होगा, और उसी को कहते हैं कॉन्वर्जेंट, कॉन्वर्जेंट। ओके, कॉन्वर्जेंट। एंड अगर वो जेड माइनस ए इज़ ग्रेटर देन आर हुआ तो उसे कहते हैं डाइवर्जेंट। ओके, तो ये मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, जेड माइनस ए यहाँ पे लिखेंगे, जेड माइनस ए इज़ ग्रेटर देन आर हो गया तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। ओके, मतलब वो क्या हो गया? रीजन के बाहर चला गया है। ओके, तो इसको थोड़ा न्यूमरिकली समझते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो पहला न्यूमरिकल एब्सोल्युटली आप ही के स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बिल्कुल कॉन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट के ऊपर वाला। फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस, कुछ यूनिवर्सिटी को ये है, कुछ यूनिवर्सिटी को ये नहीं रहता है, लेकिन सीखना अपने को ज़रूर है। फाइंड द रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस, ऑफ कॉन्वर्जेंस, कॉन्वर्जेंस, ओके ओके, कॉन्वर्जेंस ऑफ ऑफ, अब मैं देता हूँ आपको एक सवाल एकदम सा सिंपल सा, सी एन इज इक्वल टू, सी एन इज इक्वल टू, ये दिया गया है एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू और यहाँ पे है एन प्लस थ्री, ये दिया गया है, ठीक है। इसका हमें रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस ढूंढना है। सर आर ओ सी मतलब रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस होता है या रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस होता है? जब मैं सीरीज के लिए अप्लाई करूँ, सीरीज होती है, लंबी चौड़ी सीरीज होती है, तो उसको कहते हैं रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस। जब मैं एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अप्लाई करूँ तो उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस, क्योंकि उसकी पर्टिकुलर की रेडियस हो सकती है, रीजन नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए सी एन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू एन प्लस थ्री, तो कम ऑन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले दिमाग में आ रहेगा सर पार्शियल फ्रैक्शन करियो, नहीं नहीं नहीं, इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर यहाँ पे नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, सी एन इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे एन प्लस वन, जैसे है वैसे पहले मैं लिख देता हूँ ताकि उसको भी थोड़ी खुशी हो जावे। ओहो सर और क्या चाहिए? सी एन प्लस वन चाहिए, मतलब एन इज रिप्लेस्ड बाई एन प्लस वन। तो देखिए यहाँ पे एन प्लस वन, यहाँ पे प्लस वन ब्रैकेट होल डिवाइडेड बाय
ब्रैकेट के अंदर एन प्लस वन और प्लस टू, क्या बात है। सिमिलर कहानी यहाँ पे भी, एन प्लस वन और यहाँ पे प्लस थ्री करा दिया। चेक करते इसको सोल्व करके हमें क्या मिलेगा, एन प्लस टू अपॉन यहाँ पे मिलेगा एन प्लस थ्री और यहाँ पे मिलेगा एन प्लस फोर। क्या बात है, मतलब सी एन भी मिला, सी एन प्लस वन भी मिला। अब एक काम करते हैं, इनका लेते हैं सीधी भाषा में रेशो और मॉड के अंदर। ओहो हो, ले लिया मैंने रेशो मॉड के अंदर। देखो जी देखो, तो ये सारे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, तो मॉड लिखो ना लिखो फ़र्क ना ही पड़ने वाला है। ओहो हो, तो यहाँ पे ये कड़क वाली हरकत, ये हमने लिया सी एन होल डिवाइडेड बाय, अभी सी एन प्लस वन करेंगे। चेक करो यहाँ पे एन प्लस टू होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे एन प्लस थ्री और यहाँ पे होगा एन प्लस फोर की कहानी। क्या बात है, अभी इसको थोड़ा उल्टा करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गोज टू स्वर्ग लोक, वाजी वाह बोलेगा तो क्या न्यूमरेटर। चलिए तो इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे होगा एन प्लस टू और यहाँ पे होगा एन प्लस थ्री, इंटू करके मेरे बाजू में लिख देंगे यहाँ पे बिल्कुल भी। देखिए एन प्लस थ्री यहाँ पे होगा एन प्लस फोर होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे बात होगी एन प्लस टू की, ठीक है। तो ये एन प्लस थ्री कट जाएगा, बल्ले बल्ले जी कट गया जी कट गया। चलो चलो चलो, बचेगा क्या बचेगा क्या बचेगा, यहाँ पे एन प्लस वन और यहाँ पे बचेगा n प्लस फोर होल डिवाइडेड बाय n प्लस टू और यहाँ पे बनेगा n प्लस टू। क्या बात है यार, एब्सोल्यूट वाली क्या बात है, यहाँ पे तो बिल्कुल मज़ा आ गया। सर सर इसके आगे क्या करना है, इसके आगे लिमिट्स को अप्लाई करना है, क्योंकि डी एलेम्बर्ट्स रेशियो फॉर्मूला, देखो 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 क्या कहता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी चाहिए, तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे लिमिट्स। देयरफॉर अप्लाइंग लिमिट्स, अप्लाइंग लिमिट्स, लिमिट्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। क्या बात है यार, बोथ साइड्स पे ये लिमिट्स को अप्लाई कर दिया, देयर फोर यहाँ पे हड़कम मच गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड सी एन अपॉन सी एन प्लस वन विच इज इक्वल टू लिमिट। वापस से कहानी वही, सोच नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे n प्लस वन, यहाँ पे होगा n प्लस फोर होल डिवाइडेड बाई एन प्लस टू और यहाँ पे बिल्कुल भी एन प्लस टू। क्या बात है सर, ये तो मज़ा आ गया मज़ा आ गया। लेकिन इन्फिनिटी जब भी लिमिट होता है, एक चीज़ हमेशा से याद रखना, कम ऑन मेरे साथ, एक चीज़ हमेशा से याद रखना, एनी थिंग अपॉन इन्फिनिटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। किसी के भी डिवाइडेड माई इन्फिनिटी होता है, मतलब ऊपर कोई भी नंबर होने दो, पॉजिटिव नेगेटिव फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो होना है। तो मैं काम करता हूँ, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, तो किसी के भी डिनोमिनेटर में एन लेके आएंगे। तो एन लेके आने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए जनाब, हम यहाँ पे डिवाइड बाई एन करेंगे। तो देखिए इधर डिवाइड बाई एन किया तो वन प्लस वन अपॉन एन हो जाएगा, इधर किया तो वन प्लस फोर अपॉन एन हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी वही वन प्लस टू अपॉन एन और यहाँ पे होगा वन प्लस टू अपॉन एन। क्या बात है यार, क्या बात है सर, अब लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, अब लिमिट्स को अप्लाई कर देंगे और अप्लाई होने के बाद यहाँ पे हमें मिल रहा होगा वन प्लस ज़ीरो। क्यों ज़ीरो? क्योंकि वन अपॉन इन्फिनिटी, फोर अपॉन इन्फिनिटी। क्या बात है, यहाँ पे वन प्लस ज़ीरो होल डिवाइडेड बाय वापस से वन प्लस ज़ीरो, यहाँ पे भी वन प्लस ज़ीरो। क्या बात है सर, मतलब आंसर कितना आ गया, आंसर वन आ गया जी, बल्ले बल्ले जी बल्ले बल्ले। कैसा लगा ये सवाल? बिल्कुल अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर मोहब्बत वाली लाइक तो बनती बनती है जनाब। तो ये है एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ओके, अब सर इसका टेलर सीरीज में हम कैसे निकालते हैं, कैसे इसको टेलर सीरीज़ के तहत सॉल्व करेंगे, ये सब कुछ आपको मिल रहा होगा नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे टेलर सीरीज़ का पूरा कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ उसका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। और फिर जैसे ही टेलर सीरीज़ ख़त्म होता है, शुरू करेंगे लॉरेंट सीरीज़ की कहानी। ओके जी, तो बिल्कुल अपने चैनल के साथ आपको बने रहना है, शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में उतनी ही जोश जुनून और ताकत के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।